वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर्ट। सो iOS 10.5 का जो बीटा 4 कैपर जो अपडेट है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो चुके इसको आए हुए, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो RC अपडेट होगा यानी iOS 10.5 का RC अपडेट का जो रिलीज डेट है वो भी हो सकता है कि आज रात को आपको मिल जाए या फिर कल रात को आपको मिले। एंड जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो भी कहीं हद तक यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है। इस अपडेट में आपको कुछ ज़्यादा नए फीचर्स तो हम इंडियंस के लिए मिला नहीं था, खास करके आप जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनमें आपको यहाँ पर जो फीचर्स है कुछ उसमें आपको दिया गया है, लेकिन एज इंडियंस के लिए या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए उतना कुछ खास कुछ फीचर्स था नहीं। इसमें मोटे मोटे तौर पर जो बग्स एंड इशूज़ थे जो आपको आईफोन के साथ देखने मिल रहे थे उसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया है। एंड ओवर द बीटा यानी 1, 2, 3, 4 मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो बैटरी लाइफ है iOS 10.5 का वो कहीं हद तक यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया। एंड होपफुली RC अपडेट में भी शायद यहाँ बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो आपको अच्छा देखने मिला है। एंड बात करें ऑफिशियल रिलीज डेट का तो गाइस लुक टुडे इज 6th of May, एंड ऐसा बताया जा रहा है कि बिफोर 14th of May यहाँ पर iOS 10.5 का जो ऑफिशियल रिलीज होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके सभी यहाँ पर iPhones के लिए। नेक्स्ट इज एप्पल ने जो इवेंट रखा था ऑन 7th of May यानी कल, इसका जो टाइमिंग है वो आपके कंट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेना। इस इवेंट में आपको पर्टिकुलरली जो न्यू जनरेशन ऑफ iPad Pro एंड iPad है शायद वो देखने को मिल जाए, साथ ही में यहाँ पर जो एप्पल का जो पेंसिल है वो भी शायद एक नया जनरेशन के साथ आएगा। तो एप्पल पेंसिल एंड यहाँ पर जो iPad है गाइस वो एक नया जनरेशन के साथ और न्यू कलर अवेलेबिलिटी के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट में यहाँ पर जो iOS 18 है गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। iOS 18 आपको WWDC जो कि 10th June में होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन iOS 18 में जो सबसे जो बैड न्यूज़ है दैट इज़ दी कि कौन से iPhone में आपको iOS 18 देखने मिलेगा। सो हेयर इज द लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि iPhone 11 से लेके यहाँ पर iPhone 15 Pro Max तक जितने भी डिवाइस यहाँ पर लॉन्च हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 ऑलमोस्ट 29, उसमें आपको जो iOS 18 का जो सपोर्ट है वो आपको देखने मिल जाएगा। डू नोट कि यहाँ पर iPhone XR या फिर XS, XS Max या फिर 10 ऐसा जो भी डिवाइस है इसमें आपको iOS 18 का जो सपोर्ट है वो आपको देखने में नहीं मिला, क्योंकि iOS 18 इट्स ऑल अबाउट गोइंग टू बी ऑन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आपको पता है कि AI को थोड़ा सा चालू या फिर ऑपरेट करने के लिए आपका जो iPhone का जो हार्डवेयर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एप्पल ने बताया कि iPhone 11 से शुरू होकर यहाँ पर iPhone 15 Pro Max तक जितने भी डिवाइस है उसमें आपको iOS 18 का जो अवेलेबिलिटी है जो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है उसमें आपको iOS 18 का जो अपडेट होगा वो आपको देखने मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर जो iPad OS है 18 का उसका भी यहाँ पर लिस्ट जो है 9 to 5 का जो मैक है उन्होंने जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि iPad 6 जनरेशन लेके अभी iPad आपको 10 जनरेशन मिलता है, देन iPad Pro 2nd जनरेशन, देन iPad Pro 10.5 inch, देन iPad 19 और लेटर, iPad Mini 19 और लेटर, iPad Air 19 और लेटर और iPad Pro 2018 और लेटर। इन सभी में यहाँ पर जो iPad OS 18 होगा ये भी आपको देखने मिल जाएगा। सो दिस वर दिस सम न्यूज़ फ्रॉम द एप्पल। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो रिलीज डेट है iOS 10.5 का वो भी आपको मैंने बता दिया है। कोई भी चीज़ जानना हो रिगार्डिंग द iOS 10.5 या फिर रिगार्डिंग द iOS 18 रिगार्डिंग द एप्पल इवेंट ऑन 7th May, तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे आपके लिए एप्पल रिलेटेड जो न्यूज़ एंड ऐप जो अपडेट्स है वो लेके आता रहता हूँ। स्टडी मैं मिलता हूँ कुछ और वीडियो में, तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।